तू तो ना मुझे केवल इतना बता दे कि फंडिंग कैसे मिलेगी। एक बार फंडिंग मिल गई ना तो सारी टेंशन खत्म है भाई। अगर तुझे फंडिंग लेनी है ना तो अपने स्टार्टअप आइडिया को इस तरीके से डिफाइन कर कि सुनने वाला जो इन्वेस्टर है उसको ये लगे कि उसका पैसा डूबेगा नहीं और मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक बात बता यार कि स्टार्टअप आइडिया को लिखित में परिभाषित करने से फंडिंग मिल जाती है। फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो गारंटी नहीं है। अच्छे अच्छे स्टार्टअप आइडियाज को भी एडियां रगड़नी पड़ी थी फंडिंग लेने से पहले। लेकिन हाँ ये जरूर है अगर तू अपने स्टार्टअप आइडिया को परिभाषित नहीं करेगा तो फंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि शब्दों के बिना किसी को भी कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। अब वो चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो वेंडर हो, जब तक तेरे आइडिया को ये लोग समझेंगे नहीं तब तक तुझे सपोर्ट करेंगे नहीं। इसके अलावा ना स्टार्टअप आइडिया को परिभाषित करने से एक तो तुझे क्लैरिटी मिलेगी, दूसरा तुझे अपने स्टार्टअप आइडिया की कमियां पता चलेंगी, तीसरा तुझे अपने इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी पिच डेक बनाने के लिए बेस मिलेगा, चौथा अपने एम्प्लॉयज़ का जॉब प्रोफाइल बनाने में भी ये जो डिफाइंड स्टार्टअप आइडिया है वो तुझे हेल्प करेगा, और पांचवा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अगर तू अपने स्टार्टअप आइडिया को परिभाषित करता है तो तुझे आईपीआर कानूनों की मदद से अपने आइडिया को सुरक्षित करने का भी मौका मिलेगा। ओके बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बता कि इन्वेस्टर और क्या क्या देखेगा मेरे स्टार्टअप आइडिया में। भाई तेरी सुई ना फंडिंग पे ही अटक गई है। इन्वेस्टर तेरा प्रोडक्ट देखेगा, तेरी सर्विसेज देखेगा, तेरा मार्केट साइज देखेगा, और वो सब कुछ देखेगा जिसके बेसिस पर वो ये डिसीजन ले सके कि उसे तेरे स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और स्टार्टअप आइडिया में वो तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसे ये लगेगा कि उसका पैसा डूबेगा नहीं और उसे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और प्रोडक्ट में क्या देखेगा? भाई प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या देखेगा, यही देखेगा ना कि उसका मार्केट साइज बड़ा है या नहीं है, और तेरे प्रोडक्ट में या सर्विसेज में इतना दम भी है या नहीं कि वो नए कस्टमर को आसानी से आकर्षित कर लेगी या नहीं।